फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा चौहान ब्लॉग क्लब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर में और सेफ रहें। कोरोना बहुत फैल रहा है, बहुत इतना फैल रहा है कि न्यूज़ में दिल्ली के अंदर इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ घर में रहें, बाहर ना रहें। और दूसरी बात, गर्म पानी पीना चालू कर दीजिए, गले के अंदर बहुत दर्द होने लगा है। तो अभी तो आज का मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है, मैं बनाने जा रही हूँ, ये देख सकते हैं, इसको कटहल, इसको कटहल कहते हैं ना, ये आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल। और इसको मैंने उबाल लिया है क्योंकि मैंने बॉईल करके अब इसको मैं फ्राई करके मसाले के साथ बनाने वाली हूँ। उसको धो करके उबाल कर अच्छी तरीके से मैंने इसके पीसेस भी कर लिए हैं। और जब ये भुनेगा तो ऑब्वियसली ये सब इसकी कलियाँ बाहर आ जाएंगी। और दूसरी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तोरी। तोरी इसलिए बोलूँगी कि तोरी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, हरी सब्ज़ी बच्चों को ज़रूर खिलाए। और गर्मी में तोरी रोटी ये ज़्यादा दें, दही भी दें, बच्चों के लिए बेस्ट होती है। अंडा भी दे सकते हैं आप, लेकिन अंडा ना, अंडा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अंडा आप इसलिए मत दीजिए क्योंकि भी गर्मी बहुत है। तो वैसे तो अंडा गर्म होता है पर सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन होता है, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा। बट आप लोग ना बच्चों को इस टाइम पर तोरी, पालक, घिया, टेंडे ये सब ज़्यादा खिलाएँ। तो इतनी बातों के चलते चलते मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो पहले ज़रूर बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। ये आधा मेरा तोरी का है और ये आधा मेरा कटहल का है, ठीक है। और ये मेरा है तोरी का और ये मेरी कटहल की सब्ज़ी का है। तो और ये तोरी अब मैंने बनाना स्टार्ट कर दी है क्योंकि तोरी मैं बनाऊंगी और कटहल मेरे हस्बैंड बनाएंगे और हम दोनों ही मिलकर के बनाते हैं खाना। वो मसाला अच्छी तरीके से भून लेते हैं, जैसे आपने कल भी देखा था कि कल भी मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी थी और वो करते भी हैं, बहुत मेरी हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा कुकर का, देख सकते हैं आप ये आ गया है धुआँ। और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ अपनी प्याज, वहाँ बहुत हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि बहुत तेज़ है कुकर, तो प्याज मेरी जल्दी भूनने वाली आज। देख पा रहे होंगे आप, प्याज मेरी जल्दी भून रही है। तो देख रहे हैं प्याज तो भून चुकी है, लगभग ब्राउन भी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अपने टमाटर का पेस्ट। यहाँ मैंने टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है अभी, और कटहल का मेरा मसाला ऐसे ही रखा हुआ है। और अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ मसाले। बट इससे पहले मैं आज इस तोरी की सब्ज़ी में एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ जो हो सकता है और लोग भी करते होंगे, बट मैं करने जा रही हूँ तो एक बार आप ऐसे भी ट्राई करके देखिए। मैं हमेशा ये ऐसे ही खाना, तोरी की सब्ज़ी पसंद करती हूँ। तो वो होगी मेरी टमाटर चिकन के भून किया है और यहाँ मैंने लिया है थोड़ा दही। तो ये मैं अपनी तोरी की सब्ज़ी में ऐड करने वाली हूँ, तो आप देखते रहिएगा। आप देख सकते हैं मैं इसमें डालने जा रही हूँ अपना मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ही डालूँगी अभी। और इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, तेज़ है बहुत। और इसमें नमक, ये देख सकते हैं आप, नमक नमक देख सकते हैं। अब इसमें डालने जा रही हूँ मैं
थोड़ा सा धनिया पाउडर जो मैं थोड़ा बहुत थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। तो अब ये मसाले मेरे निकल चुके हैं, तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए तरीके से हल्का सा मैं गीला करूँगी, हल्का सा। तोरी को वैसे ही पानी छोड़ दिया फ्रेंड्स, और साथ ही साथ अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दही, जो ये पक जाएगा हमारा तोरी के लिए। तो अब आप देख सकते हैं मसाला पक रहा है, और दही भी मुझे अच्छी तरीके से भून करके पकानी है। ऐसे तोरी की सब्ज़ी आप बनाएं बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी गर्मी में। और मैंने मसाला इसलिए कम डाला है क्योंकि गर्मी बहुत है, बट आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं। कभी इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप ये अच्छी तरीके से मेरा पक रहा है। मेरी कलछी पर भी थोड़ा मसाला लग गया है, तो इसका भी इलाज है। मैं कलछी पर अपनी थोड़ा सा पानी डालूँगी, ये सारा मसाला बह जाएगा और वापस मेरे कुकर में चला जाएगा। और ये बहुत टेस्टी बनती है तोरी की सब्ज़ी इस तरीके से, बच्चे ज़रूर खुश होकर खाएंगे, क्योंकि जो दही है ना वो अपना फ्लेवर छोड़ देता है पकने के बाद, बहुत अच्छा गाढ़ा रंग आता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप ये पक गया है, लगभग लगभग इसका घी ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा और भूनूंगी मैं, लेकिन क्योंकि जब तक पूरा नहीं पकेगा तब तक सब्जी में कचियान आएगी धनिए की। तो अब मैं थोड़ी देर में इसमें छोड़ने वाली हूँ अपना तोरी मसाला। यहाँ मैंने अपनी तोरी डाल दी है मसाले में, तो अभी मैं इसमें भूनने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप देख सकते हैं मैं वीडियोस भी बना रही हूँ और कलछी भी चला रही हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बट अब ये आप देख पा रहे होंगे कि मसाला मेरा अच्छी तरीके से मिल रहा है। तो मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि तोरी वैसे ही पानी छोड़ती है। अभी तो मैं इसे भूनूंगी अच्छी तरीके से, अभी ये भुनी नहीं है हमारी तोरी, अभी भुनेगी। तो फ्रेंड्स अभी हमारी तोरी भुन रही है धीरे धीरे, उसको बहुत देर तक अभी भूनना है हमें मसाले में। आप देख सकते हैं जब भी अच्छी तरह भुन जाएगी तब मैं खोल दूंगी अपना कुकर बंद। देख पा रहे होंगे आप इसका पानी निकलने को धीरे धीरे रेडी है। जो बच्चे नहीं खाते हैं ना तोरी, उन वो इस तरीके से आप बनाएं तो ज़रूर खाएंगे घर में।
तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसा लग बनेगा आज का हमारा डिनर। और कुकर का ढक्कन कर रही हूँ बंद। सारे कटहल और यहाँ पर प्याज मैंने तेल में डाल दी है, भूनने में लेगी टाइम मेरी प्याज। और इस तरीके से आप कटहल बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा, तो बहुत अच्छा भी बनेगा। तो प्याज भूनने में होगा थोड़ा टाइम, मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से। तो अभी तो भून रही है हमारी प्याज, आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये ब्राउन हो रही है, प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर। तो फ्रेंड जैसे हम बना रहे हैं ऐसे आप भी अपने घर पे ट्राई करिएगा इस तरीके से भी, और इतना अच्छा टेस्ट आएगा। आज मेरे हस्बैंड बनाते हैं कटहल की सब्जी। मम्मी के बाद मैंने डाला है गरम मसाला ऐड कर दिया है, और मेरे हस्बैंड डालेंगे इसमें मिर्ची पाउडर और नमक। और अच्छा लगता है हम दोनों जब मिलकर खाना बनाते हैं तो ये होता है कि एक हस्बैंड में प्रोटेक्ट है मेरे, बहुत मेरे को हेल्प करते हैं, बहुत ही मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप भी देखिए, और मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग भी है मेरे लिए। तो देखिए आप जब वो देख रहे थे कि इतनी देर से बेचारी बना रही है, तो अब वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गए। और वैसे भी कटहल वगैरह और छोले राजमा तो मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं ज़्यादातर, और अब वो डालने जा रहे हैं सब्जी का मसाला। और इसमें दही ऐड हो गया है, अगर कभी टमाटर भी नहीं होते ना फ्रेंड्स तो आप दही डाल सकते हैं, तो उसका जो खट्टापन है उससे भी आपको बड़ा अच्छा फ्लेवर मिलेगा, बल्कि कोरमे की तरह बन जाता है जब आप बनाएंगे तो। एक कोरमे की तरीके से बनेगा आज हमारा कटहल की सब्जी का। अभी मेरे हस्बैंड देख सकते हैं भून रहे हैं, मसाला भून रहा है। अब उनको लगी है गर्मी, तो ये बिल्कुल भून करके हो गया लाल। और आप भी ऐसे ट्राई करिए, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बनाइए तो कितना अच्छा खाना भी बनता है और सपोर्ट भी अच्छी मिलती है लाइफ में। अगर मसाला मैं बनाती हूँ तो सब्जी मेरे हस्बैंड बनाते हैं, और अगर एक सब्जी मैं बनाती हूँ तो वो भी बनाते हैं मेरे साथ। और आज तक मैंने जितना भी खाना बनाया है वो सब मेरी दीदी और मेरे हस्बैंड
की वजह से मैंने आप लोगों को इतना बना बना के दिखाया है, वरना मुझे इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरी हेल्प हर जगह होती है। माता रानी की मेहर है, बस ऐसी आप सब पर बनी रहे। और अब आप देख सकते हैं हमारी बातें बातें चलती रहीं, और मेरा प्याज का मसाला इतना छोड़ दिया है पक के, इतना टमाटर इतना अच्छा हो गया है, मेरे हस्बैंड ने जो मसाला डाला, आज का तो मस्त खाना बनने वाला है हमारा। तो अब हमने डाल दिए हैं अपने मसाले के अंदर कटहल के पीसेस, तो फ्रेंड हमने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है अभी। और आप देख सकते हैं जब ये भून जाएगा ना अच्छी तरीके से, हमारा मसाले में अच्छी तरीके से मिल जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ हरा धनिया, जो अभी हम डालेंगे तब ये थोड़ा और पक जाएगा। तो ऐसे ही आप भी बना सकते हैं घर पर, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छी तरीके से बन गया है, धनिया भी डाल दिया है मैंने इसमें बारीक कटा हुआ, और अभी हमारा ये भून रहा था और मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। फ्रेंड हमारी सब्ज़ी तैयार है, आप देख सकते हैं हमारी कटहल की सब्ज़ी और हमारी तोरी की सब्ज़ी, तो आप देख सकते हैं वो भी कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो आपको अगर मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय फ्रेंड्स।